ऑर्गन्स। इसके कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट क्या है? हाइपोथैलेमस। दूसरा कंपोनेंट क्या है? हिपोथैलेमस। तीसरा कंपोनेंट क्या है? हाइपोथैलेमस। इन तीनों को एक साथ बोलते हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज हाइपोडर्मिस एंड द इनर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। ठीक है, ये क्या होगी? इनर मोस्ट कॉर्टिकल लेयर, ये क्या होगी? आउटर मोस्ट कॉर्टिकल। ठीक है, फोर्थ पेरिसाइकल। फोर्थ क्या होता है? पेरिसाइकल। ये भी क्या होता है? फ्यू लेयर्स। इसमें भी क्या होती है? फ्यू लेयर्स। फिर इसके बाद से फिफ्थ है आपका मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज ये क्या होता है? सेल्स बिटवीन वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के बीच के सेल्स को क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेज। और लास्ट होता है हमारा फिफ्थ है ब्राउन टिश्यू सिस्टम। तो सेल्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल फॉर्म्स ब्राउन टिश्यू सिस्टम। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? कॉर्टेक्स। जनरल क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के तीन कंपोनेंट्स पेरिसाइकल मेडुलरी एंड बिल। अब यही जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ये थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा लीफ के अंदर, रूट के अंदर, स्टेम के अंदर। थोड़ा डाइकोट लीफ में अलग होगा, थोड़ा मोनोकोट लीफ में अलग होगा, थोड़ा डाइकोट स्टेम में अलग होगा, थोड़ा मोनोकोट स्टेम में अलग होगा। कहीं कहीं पे इसकी कंपोजिशन जो होंगी वो बदलती जाएगी। तो इसके अंदर किस टाइप के सेल्स मिलेंगे? ऑल थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू आर फाउंड इन जीटीएस। चलो बताओ तीन टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन कौन से हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सो ऑल दीज थ्री टिश्यूज विल बी फाउंड इन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो अब बता सकते हो कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का फंक्शन क्या होगा? स्टोरेज होगा, फूड प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस होगा, मैकेनिकल सपोर्ट होगा, सीक्रीशन होगा, और वाटर एब्जॉर्प्शन होगा? नहीं ना, वाटर एब्जॉर्प्शन किसका काम है? एपिडर्मिस। किसका काम है? एपिडर्मिस। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम रूट हेयर्स बनाते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन किसका काम है? रूट हेयर्स का। तो वाटर एब्जॉर्प्शन कौन करेंगे? रूट्स करेंगे ना, रूट्स में उनकी हेयर्स करेंगे। और हेयर्स किसके पार्ट होते हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का काम एब्जॉर्प्शन नहीं है। क्या कंडक्शन काम होगा? ट्रांसपोर्ट नहीं जी ना, वो किसका काम है? वैस्कुलर टिश्यूज का। तो कौन सा काम नहीं है इनका? क्वेश्चन आएगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम? वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड नहीं है, सीक्रीशन है, फोटोसिंथेसिस है, स्टोरेज है, मैकेनिकल सपोर्ट है। ठीक है, तो लिख लो चार मेन फंक्शंस।